जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में। 2023 की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, सारी जानकारी हम आपको टॉपिक वाइज जो है चैप्टर्स बताने वाले हैं। दिल्ली पुलिस सिलेबस जो है आपको टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ पे बताने वाले हैं, यहाँ पे लिख रखा है, मैंने मेंशन भी कर रखा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको वीडियो जो समझ में आएगी, सारी जानकारी समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो आ जाता है सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है चार पार्ट में यहाँ पे पूछा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यहाँ पे आपको चार जो है वो यहाँ पे आपका टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, मतलब जो भी आपके पार्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पे चार जो है वो पार्ट में रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का, जिसमें स्टैटिक जीके भी दोस्तों आता है, करंट अफेयर में स्टैटिक जीके भी आप मान के चलिएगा। उसके बाद रीजनिंग हो जाता है, और तीसरे नंबर पर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है दोस्तों, जिसको मैथ बोला जाता है, जिसको मैथ यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा दोस्तों। बात करें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस पार्ट से, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो जीके जीएस आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जीके जीएस का होता है, 50% हो जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो केवल जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें जो है वो 50 नंबर के रहने वाले, यानी एक क्वेश्चन आपका एक नंबर के यहाँ पे पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। अब दोस्तों बात करें रीजनिंग, रीजनिंग की संख्या दोस्तों वो कम रहने वाली, यहाँ पे देख सकते हैं 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग की संख्या होती है, जो कि 25 नंबर के यहाँ पे बनता है दोस्तों। बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो मैथ है वो आपके मैथ की संख्या जो 15 रहेगी, जो कि 15 नंबर का आपका होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा हो जाता है जो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, 10 नंबर का होता है, यानी 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। टोटल नंबर की बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टोटल कि दोस्तों 100 नंबर का यहाँ पे बनने वाला, यानी एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा। तो ये दोस्तों हो गई हमारा जो है वो किस किस जो है वो कितना क्वेश्चन किस जो है वो सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे दोस्तों। आपका पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑप्शन यहाँ पे रहता है ए बी सी डी, आपको पता होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। बात करें अगर माइनस मार्किंग की, तो यहाँ माइनस मार्किंग दोस्तों 0.25 यहाँ पे होता है, यानी वो 1/4 की आपके माइनस मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक सही जो क्वेश्चन है वो कट जाता है, वही होता है 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पे दे रखा होता है दोस्तों। टाइमिंग जो है आपकी वो टोटल 90 मिनट मिलने वाली है, 90 मिनट में आपको दोस्तों वो जो है वो 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देना होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे, बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है वो किस सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाएगा, किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीके की बात करें, तो जीके के यहाँ पे इतने सारे जो टॉपिक दे रखे हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर्स को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जीके का वेटेज होता है, हमने बताया कि जीके में आपका स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि किताब और लेखक, व्यक्ति आविष्कार और जो है वो सामान्य सम्मान और पुरस्कार हो गए, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा यहाँ पे संख्या रहने वाली है दोस्तों। बात करें जो आपकी रीजनिंग रहेगी, तो रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर्स दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आ जाते हैं नीचे, देख लेते हैं रीजनिंग की संख्या, यहाँ पे देख लेते हैं जो रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। हम एक एक चैप्टर जो है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैथ की, मैथ की यहाँ पर संख्या दे रखी है कि मैथ किस किस चैप्टर से पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात, यहाँ पे औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यही सब चैप्टर्स यहाँ पे आपका जो है वो कॉमन चैप्टर से, यही सब चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दिल्ली पुलिस 2020 की भर्ती में, उसी के आधार पर यहाँ पे मैंने चैप्टर्स को जो वो कम्बाइन किया है, सभी को यहाँ पे बनाया है पीडीएफ के रूप में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही सब जो बेसिक चैप्टर्स आपको वो पढ़ लेने हैं दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर की जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी, वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन काफ़ी जो है वो बेसिक लेवल के आते हैं, तो आप आसानी से अगर कंप्यूटर जरा भी पढ़े होंगे, ट्रिपल सी वगैरह अगर आपके पास होगा तो आपको काफ़ी जो है जानकारी होगी, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का आसानी से वो 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यही पैटर्न था जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों। इसका फॉर्म दोस्तों 1 सितंबर से वो स्टार्ट होने जा रहा है, इसका अप्लाई जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, काफ़ी दिन से हम अपने चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी जो है वो हमारे पास माइक का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और कुछ तो है वो प्रॉब्लम थी जो है वो पर्सनल, तो इसी वजह से जो है वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों, इसके लिए समझ आए थे। तो दोस्तों आज से जो है आपको रेगुलर जो है वीडियो मिलती रहेगी, तो काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है कंप्लीट सिलेबस दोस्तों यहाँ पे है, हम आपको पीडीएफ जो है
प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।